जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। सो 7 क्लासेस हमने लिया था आपका स्पीडी का, अब इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हम आपको प्रॉमिस करते हैं साइंस में आपको फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी तरीका है मेरा, ठीक है, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस चैनल पे, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें और एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। हर एक वीडियो को हम क्वेश्चंस डील करेंगे, प्लस बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके हम डिस्क्रिप्शन के साथ आपको उन चीजों को समझा भी दिया करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और बुक का जो रेफरेंस लेके चल रहे हैं वो होगा आपका स्पीडी। लिंक नीचे होगा आपका व्हाट्सएप का, जरूर उससे जुड़े और टेलीग्राम पे जुड़ जाए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला ये क्वेश्चंस आपके लिए, आप जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो, आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि चंद्रमा पर किसी पिंड बॉडी का भार, वेट का बात यहाँ कर रहा है, अगर 60 न्यूटन है, ठीक है, यहाँ द्रव्यमान नहीं है, यहाँ क्या है, वेट है, तो पृथ्वी पर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। आंसर आपके सामने है, मतलब ऑप्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। वेट का वैल्यू अगर इतना दिया हुआ है आपके चंद्रमा पे, तो अर्थ पे कितना होगा ये पूछा गया, आप अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो पहला पॉइंट है आपका कि सूर्य में स्वतंत्र रूप से, ठीक है, मतलब जब आप फ्री फॉल में, और एक चीज में हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चलूंगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बुक इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देखिए, तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कितना होता है, मतलब अगर कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल में गिरता है, ठीक है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है आपका समान होगा, समान होगा इन द सेंस कितना होगा उसका। तो दो पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल में गिरेगा तो जिस एक्सेलरेशन, मतलब जिस स्पीड से वो स्टार्ट किया है और जिस एक्सेलरेशन के साथ वो स्टार्ट किया है उसी एक्सेलरेशन के साथ वो गिरेगा। ठीक है, मतलब उसमें चेंज ऑफ, जो आप, मैं कह सकता हूं कि सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूं तो जितना आपका जी का वैल्यू है, ठीक है, जी का वैल्यू है, दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण का वैल्यू है, उतना ही आपका उसका वैल्यू रहेगा, मतलब ये समान रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो पहला याद रखिएगा, जब फ्री फॉल में बॉडी गिरता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण जो होगा, वो क्या होगा, समान होगा। और अगर पूछे कि कितना वैल्यू होगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, जो आपका एक्सेलरेशन है, जो आपका त्वरण है, वो क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपका सदिश राशि है, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, आपको याद रखना है क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक पॉइंट यहाँ ये भी आपको याद रखना, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने यहाँ जी का बात किया, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात किया, ठीक है, गुरुत्व त्वरण का बात किया, तो इसका फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, जी इक्वल टू होता है आपका इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और यही जो वैल्यू हम लोग लेते हैं अर्थ पे, जो लेते हैं याद रखिएगा ये वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, अगर अर्थ पे 10 है तो अगर हम लोग मून पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, उसका 1/6 भाग हो जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा, इसी पे बेस्ड इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन दिया था। तो जी का वैल्यू याद रखिएगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, अगर हम धरती से ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू घटेगा, धरती से अगर नीचे जाते हैं तो जी का वैल्यू घटेगा। सबसे ज्यादा जी का वैल्यू कहाँ होगा, तो आपका ध्रुव पे होगा, पोल पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि जी याद रखिएगा ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये तो क्या आपका जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ये क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ये क्या एम क्या है, एम है आपका मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ सबसे ज्यादा कहां होगा, आपका होगा इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे। तो भूमध्य रेखा पे क्या होगा, जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, तो इसीलिए आपका भार जो है सबसे ज्यादा जो होगा आपका कहां होगा, आपका भूमध्य रेखा पे होगा, और सबसे आपका जो सबसे जो आपका कम जो होगा वो यहां होगा भार, मतलब जो आपका वेट है यहां सबसे कम हो जाएगा, और सबसे ज्यादा कहां होगा, तो आपका ध्रुव पे होगा। ध्रुव पे क्यों होगा, पोल पे क्यों होगा, क्योंकि ये जो आर का वैल्यू है वहां कम हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो अगर कोई बॉडी फ्री फॉल में गिरता है, ठीक है, तो उसका फ्री फॉल मतलब स्वतंत्र रूप से अगर गिर रहा है, ठीक है, तो फ्री फॉल में अगर कोई गिरता है तो उसका जो एक्सेलरेशन त्वरण जो होगा वो समान होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि उसका कितना होगा वैल्यू, तो जितना स्मॉल जी का वैल्यू होता है, दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा पॉइंट याद रखना है, जो आपका त्वरण होता है, ठीक है,
उसका वो कैसा राशि है तो आपको याद रखना है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका जी का हम बात कर रहे हैं, हमारा जो बॉडी का वेट है, भार है, या मैं भार बोल रहा हूँ, द्रव्यमान नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मास की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो मेरा वेट है किस पे डिपेंड करता है, ये जी पे ही डिपेंड करता है। तो हमारा वेट सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो सिंपल सी बात है, जहां जी का वैल्यू ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो वेट जो होता है आपने पढ़ा होगा, ये होता है एम इंटू जी। एम क्या होता है? हमारा द्रव्यमान, बॉडी, बॉडी का मास, जो कि कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा। अर्थ पे रहूंगा तभी भी इतना ही रहेगा, मून पे जाऊंगा तो इतना ही रहेगा। बट जो आपका वेट है, भार है, ये चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वेट का जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, आपका मास इंटू जी, मतलब आपका द्रव्यमान को जब हम लोग जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वेट मिलता है, हमें भार मिलता है। तो भार आपका सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सिंपल सी बात है, जहां जी का वैल्यू ज्यादा होगा। जी का वैल्यू कहाँ ज्यादा होगा? आपका पोल पे ज्यादा होगा, ये फॉर्मूला से। क्यों? क्योंकि पोल पे आपका जो ये है रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ जो क्या है, बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात रखना है, यहां आपका जो भार है, आपका अर्थ आपके भूमध्य रेखा पे जितना आपका भार है, उससे ज्यादा आपका भार कहाँ होगा? आपके पोल पे होगा। भार का मैं बात कर रहा हूं, और द्रव्यमान जो रहता है, मास जो रहता है, हमेशा समान रहता है। तो इतने क्वेश्चंस आपको यहां से याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम लोग अर्थ का जो स्पिनिंग स्पीड है, मतलब अर्थ का जो घूमता है अपने अक्ष पे, इस तरीके से घूमता है, मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से ऐसे घूमता है, अगर उसको हम लोग और स्पीड कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? हमारा भार, ठीक है, इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे घटेगा या कमेगा, ये पूछा गया था। अर्थ का अगर हम लोग स्पीड बहुत तेज करते, तो याद रखिएगा, जैसे हम अर्थ का स्पीड तेज करेंगे, जी का वैल्यू डिक्रीज होगा, और अगर जी का वैल्यू डिक्रीज होगा तो आपका जो वेट है, आपका जो भार है, इक्वेटर पे घट जाएगा। समझ में आया? तो मैंने क्या बताया, एक एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर हम लोग अर्थ का घूमने का जो स्पीड है उसको बढ़ा दे, स्पिनिंग स्पीड जो है बढ़ा दे, तो हमारा वेट जो है, ठीक है, भार जो है इक्वेटर पे घट जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जहां समझाने की जरूरत पड़ेगी हम वही समझाएंगे। तो इतने क्वेश्चन एटलीस्ट आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे का कौन प्रकाश संश्लेषण है, पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। ये सबको पता है कि जो अगर प्लांट से क्वेश्चन पूछा गया पादप जगत से, तो 100% चांस है कि आपको फोटोसिंथेसिस से पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है जो हम छोड़ते हैं, और उसके बदले वो ऑक्सीजन देता है। पर इसका सही मीनिंग क्या है, जल्दी से हम लोग देखते हैं कि जो आपका, देखिए, जो जो समझाने की जगह बस वही समझाऊंगा मैं, ठीक है। अब जल्दी से आ जाए आपको फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखोगे, ठीक है, क्या सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, कौन से कलर में सबसे ज्यादा होता है, तो रेड कलर में सबसे ज्यादा होता है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि सबसे कम किस में होता है, तो ग्रीन याद रखना है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे बुक में गलत भी दिया ग्रीन, क्योंकि ग्रीन मैक्सिमम कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो सबसे ज्यादा होता है रेड कलर में, सबसे कम होता है आपका ग्रीन कलर में। उसके बाद आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा एनर्जी का कन्वर्सन होता है, आपको पूछा जाएगा, तो क्या बोलोगे, लाइट एनर्जी का कन्वर्सन होता है केमिकल एनर्जी में। क्या होता है? लाइट एनर्जी का कन्वर्सन होता है केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो प्रकाश, लाइट मतलब प्रकाश, केमिकल मतलब रसायन, तो लाइट एनर्जी का कन्वर्सन किस में हो जाता है, आपका केमिकल एनर्जी में। और एक चीज याद रखिएगा, प्लांट जो, ठीक है, आपको पूछा जाएगा, जो प्लांट जो एनर्जी स्टोर्ड करते हैं, ठीक है, प्लांट जो एनर्जी स्टोर्ड करते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का। अब ये कंसेप्ट आपके लिए नया होगा, इसको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा आगे भी, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि देखो, जो आपका सबसे पहले क्या करेगा, वो आपका जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में बनाएगा, और वो जो केमिकल एनर्जी होता है, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रखेगा, ठीक है, और वो पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। कैसे? तो उस जो भी वो स्टोर करता है, फिर से क्या करता है, जानवर है उसको खाता है, और जानवर उसको खा के क्या करता है, वो चलने लगता है, तो फिर से वो काइनेटिक एनर्जी में। तो कहां से स्टार्ट हुए थे, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी को फिर से कौन से फॉर्म में स्टोर करके रखे हैं, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से कैसे आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका काइनेटिक एनर्जी में, जब उसको, उस पौधे का पत्ता को कौन खा लेता है, आपका कोई भी एनिमल खा लेता है। तो याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी से फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है,
और जो आपका केमिकल एनर्जी है, ठीक है, जो रसायन में चेंज हो जाता है, ठीक है, उसको कैसे स्टोर करके रखता है, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, याद रखोगे। अब ये रिएक्शन पे हम लोग बात करते हैं, इतने क्वेश्चन आपको यहां से याद रखना, अब इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन याद रखोगे प्रकाश संश्लेषण का, 6CO2 6H2O, यहां सन है, यहां क्लोरोफिल है, C6H12O6 6CO2। अब जल्दी से देखिए इससे क्या क्या हो, सबसे पहले याद रखिएगा, पूछेगा इस पूरे रिएक्शन में किसका रिडक्शन हो रहा है, आपने पढ़ा होगा ना अपचयन उपचयन, तो वही है रिडक्शन, तो किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आपको याद रखना है CO2 का रिडक्शन हो रहा है। CO2 एक कैसा गैस है, तो एक ग्रीन हाउस गैस है, हरित गैस है, ठीक है, और इसका परसेंटेज कितना है एटमोस्फेयर में, वातावरण में, तो 0.04%। और याद रखिएगा जब आपका वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो कौन सा आपका एसिड बनाता है, वीक एसिड, अमल जिसको बोलते हैं, वीक अमल बनाएगा, तो कार्बोनिक एसिड, उसका फॉर्मूला होगा H2CO3, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि पौधा का ऐसा कौन सा भाग है, ठीक है, जो आपको जिसको रंध्र बोलते हैं, रंध्र जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, जो हमारा ट्रांसपायरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस में, तो याद रखिएगा स्टोमाटा या रंध्र ही है जो आपको, इसको मैंने डिटेल में भी पढ़ा है, ट्रांसपायरेशन या संवेद जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो, एक्सचेंज ऑफ गैस में, तो पूछा एक्सचेंज ऑफ गैस में कौन हेल्प करता है, या ट्रांसपायरेशन में मतलब बॉडी में अगर एक्सेस पानी हो गया प्लांट में तो उसको बाहर कौन निकालता है, ये सब का जो फंडा आता है ये आता है आपका स्टोमाटा रंध्र, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं वाटर में, वाटर से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या बोलोगे, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को देगा, डोनेट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पानी, जो इस रिएक्शन में जो पानी आता है आखिर कहां से आता है, तो जो आपका पौधा है, ठीक है, वो रूट से मतलब नीचे से लेता है, ठीक है, किस फॉर्म में लेता है, तो किस क्रिया के से वो लेता है, तो आपको याद रखना है कैपिलरिटी एक्शन, कैपिलरिटी मतलब होता है केशिका, केशिका के थ्रू लेता है, ये भी याद रखिएगा। और याद रखिएगा वाटर का, ठीक है, आणविक भार कितना होता है, मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो आपको याद रखना है 18U या 18U भी याद रखोगे तो चलेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग सन, सन पे आते हैं, ठीक है, तो सन का एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करता है, तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है, तो याद रखना आपका किसका पार्ट है, प्लास्टिड का, प्लास्टिड क्या है याद है कि भूल गए, प्लास्टिड जो है आपका एक कोशिकांग है, ठीक है, किसमें पाया जाता है, सिर्फ प्लांट में। तो यहां से क्या क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा जो क्लोरोफिल है इसका काम क्या क्या है, सबसे पहले इसका जो काम होता है क्लोरोफिल का क्या होता है, ये आपका जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है, जो हीट एनर्जी होता है, जो लाइट एनर्जी होता है, जो सन से आता है उसको एब्जॉर्ब करता है पहला, ठीक है, और इसमें कौन सा धातु होता है क्लोरोफिल में, तो क्या बोलोगे, मैग्नीशियम होता है। तीसरा, ग्रीन कलर जो होता है प्लांट का वो किसके कारण होता है, तो यही क्लोरोफिल के कारण होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि किचन ऑफ सेल, मतलब किचन मतलब पता है ना, जहां हम लोग खाना बनाते हैं, तो किचन, ठीक है, कोशिका का किचन, मतलब कोशिका का किचन किसको बोला जाता है, किचन ऑफ सेल, ठीक है, एक सेल का किचन किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है, ठीक है, इतना पॉइंट आप यहां से याद रखोगे। इसके बाद जो ये रिएक्शन खत्म होगा तो क्या निकलता है, यहाँ आपका यहाँ ग्लूकोज निकलता है और आपका यहाँ ऑक्सीजन निकलता है। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा, सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा ग्लूकोज से, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, अगर पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो क्या बोलोगे, ग्लूकोज बोलोगे। ये क्या है, तो ये एक मोनोसेकेराइड है, याद रखिएगा। इंस्टेंट एनर्जी अगर मुझे किसी को देना है, एथलीट लोग दौड़ के आते हैं उसको इंस्टेंट एनर्जी देना है, तो क्या खिलाएंगे उनको, हम लोग ग्लूकोज देते हैं, उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज से हम लोग को कितना एनर्जी मिलता है, तो 4.2 किलो कैलोरी मिलता है, ठीक है, याद रखोगे इतना। तो यहां आप याद रखोगे ये निकल गया आपका ये, ठीक है, ग्लूकोज से। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये जो रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण का, इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा होता है, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब मेन प्रोडक्ट कौन सा होता है, तो आपको ग्लूकोज बोलना है, ऑक्सीजन नहीं बोलना, ऑक्सीजन वो निकलता है, वो निकल जाता है, ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट है, प्लांट स्पेशली हमारे लिए ऑक्सीजन नहीं बना रहे, वो बस बाय प्रोडक्ट है। तो प्राइमरी मेन प्रोडक्ट कौन है इस रिएक्शन का, तो आपको बोलना है वो है आपका ग्लूकोज, ठीक है, और सेकेंडरी प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो है आपका ऑक्सीजन, याद रखिएगा। ऑक्सीजन का डिस्कवर किसने किया था, प्रिस्ले ने, और ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट कौन सा है, प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये है आपका ग्लूकोज। और ग्लूकोज को फिर से इथेनॉल में कैसे चेंज कर सकते हैं, पीने वाला दारू में, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम्स यूज करते हैं, तो वो है आपका जाइमस,
ये क्वेश्चंस यहां से दो क्वेश्चन और आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, ये किस टाइप का रिएक्शन है, पहला क्वेश्चन। तो क्या बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों, इसमें अपचयन भी हो रहा है उपचयन भी हो रहा है, मतलब इसमें आपका देखो तो यहां आपका रिडक्शन हो रहा है इसका, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहां एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये ऊष्मा शोषी रिएक्शन है, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो बस इतना करना, ये बहुत है इसके लिए, याद रखना सब पूछा जाएगा। जल्दी आए, आप देखते हैं प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस का अवशोषण करती है, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, नीचे आए, घिंची हुई, ठीक है, घिंची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है, जो भी चीज आप घींच के रखते हो, ठीक है, या किसी एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन तक उठा के रखते हो, इस सब में जो होता है आपका किस तरीके का स्थितित ऊर्जा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं स्थितित ऊर्जा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, अगर आपको बोले, ठीक है, कि घिंची हुई तीर में, ठीक है, या पानी जो है ऊपर स्टोर करके रख दिया जाता है डैम में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जहां रहता है, तो पानी ऊपर स्टोर करके रख दिया जाता है, तो उस समय कौन सा एनर्जी स्टोर करके रखते, तो याद रखेगा जो आपका स्थितित एनर्जी, मतलब सिंपल याद ना, अपना पोजिशन से, ठीक है, वो हटके कहीं और उसको स्टोर किया गया है, तो वो है आपका स्थितित एनर्जी। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, याद रखिएगा, मास जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच मतलब हाइट, कहां से अपना पोजीशन से कितने ऊपर नीचे है ये। ठीक है, उसके बाद है आपका, आगे चलते हैं, चलिए देखिए इस तरीके से ही पढ़ना है हमें। ठीक है, चाहे वो जीएस हो, चाहे ये हो, कि कुछ नया दिखे ही ना, जहां जैसे कि हर दिन क्या करेंगे, एक चीज और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जैसे बहुत लोग हैं जो सीआईएसएफ में है, बीएसएफ में है, लाइक वेदर इन एनी जॉब, जिनको टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं बीच में यूजलेस बातें नहीं करूंगा, ठीक है, क्लास में, ताकि वो कान में भी लगा के इन चीजों को बस सुन ले, तो उनका काम बन जाए। ठीक है, चलिए, किसी भी स्थिति ऊर्जा गति, देखिए अब देखिए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की, ठीक है, स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये बोलना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया जाएगा। ये किसके द्वारा बताया गया, तो ये आपको याद रखना है, न्यूटन गति का प्रथम नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम। एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसको मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग बस में बैठे होते हैं, ठीक है, अगर बस में बैठे होते हैं, सडनली बस चलता है, तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, सॉरी पीछे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। ठीक है, तो यहां रहते हैं, सडनली क्या होता है, बस आगे बढ़ता है तो हम लोग पीछे की तरफ ये होते हैं, सडनली बस रुक जाता है तो हम लोग फिर आगे की तरफ जाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जड़त्व का नियम के कारण। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जड़त्व का जो नियम है, याद रखिएगा, न्यूटन का जो पहला लॉ है, ठीक है, न्यूटन का जो पहला लॉ है, ठीक है, उसको और किस नाम से जानते हैं, तो गैलीलियो के नाम से भी जानते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, या न्यूटन का जड़त्व का नियम को और किस नाम से जानते हैं, गैलीलियो लॉ के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था जो स्पीड का, ठीक है, स्पीड का जो जो चाल है, उसका सबसे पहले डेफिनेशन किसने दिया, देखो लॉज ऑफ मोशन, मोशन लॉज ऑफ मोशन किसने दिया, न्यूटन ने दिया, और न्यूटन ने बुक भी लिखा था प्रिंसिपिया, वो भी याद रखिएगा। बट अगर बोलेगा कि डेफिनेशन ऑफ स्पीड, स्पीड का डेफिनेशन किसने दिया, चाल का डेफिनेशन किसने दिया था सबसे पहले, तो आपको याद रखना है गैलीलियो जी ने दिया था। ठीक है, जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, आप सिंपल सी बात है, ठीक है, अगर आप स्पीड डबल कर दोगे, ठीक है, तो उसका जो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है क्या, हाफ एम भी स्क्वायर, भी की जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, तो ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, विद्युत मात्रा का मतलब होता है आपका जो आपका चार्ज होता है, चार्ज का आपका जो यूनिट है वो क्या होता है। अब यहां ध्यान से समझना, चार्ज से क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले याद रखना ये वाला फॉर्मूला, ये मैंने क्या लिखा है, सी इक्वल टू क्यू बाय वी। ये सी क्या है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। और इसका जो यूनिट होता है, ये कौन सा यूनिट होता है, ठीक है,
इसको आप लोग आगे में इसको बताऊंगा, इसको हिंदी में आई थिंक क्या बोलते हैं, अभी ये दिमाग में नहीं आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी होता है वो होता है क्यू बाई वी। क्यू यहाँ क्या है, आपका आवेश है, ठीक है, और वी क्या है, आपका विभांतर मतलब वोल्टेज है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, ठीक है, या कैपेसिटेंस जो दिया जाता है क्यू बाई वी दिया जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, देखिए हमने यहाँ क्यू का बात किया, क्यू क्या है आपका चार्ज, क्या है आपका चार्ज, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, तो कूलम, क्या होता है कूलम, जिसको हम लोग, इसको हम लोग चार्ज को मतलब आवेश बोलते हैं। अब देखो C इक्वल टू होता है आपका क्या, Q बाई वी, याद रखना ये फॉर्मूला। ये क्या है आपका कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, जिसको हम लोग किसमें नापते हैं, फराड में, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका आवेश या चार्ज जिसको बोलते हैं, इसको किसमें नापते हैं, कूलम में, ठीक है, क्या में नापते हैं इसको, कूलम में, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये है आपका वोल्टेज, विभवांतर जिसको बोलते हैं, इसको किसमें नापते हैं, इसको नापते हैं वोल्टेज में, ठीक है। तो एक तो रिलेशन आपको यहां से भी आ गया कि Q इक्वल टू क्या होता है, सी भी। अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, मेरिट नहीं बनेगा, मैं लिख लो, ठीक है, मैं यही बोल रहा हूं, और बाकी आप खुद समझदार हो, क्योंकि आजकल पेपर पहले वाला नहीं आता है, ठीक है, कोई अगर पढ़ा रहा है तो इसी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो ये हो गया एक क्यू का वैल्यू आपको यहां से आ गया, और एक आपको और मैंने बताया था I इक्वल टू होता है आपका Q बाई टी। ये I क्या है आपका, ये है आपका धारा मतलब करंट, इसको किस में नापते हैं हम लोग, एम्पेयर में, ठीक है। और ये क्या है आपका चार्ज, इसको किस में नापते हैं, कूलम में, ठीक है। और ये है आपका टाइम, हमेशा सेकंड में यहां लेना होता है, तो ये है आपका सेकंड। तो यहां से क्या रिलेशन आ गया, I इक्वल टू होता है Q बाई टी, मतलब Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी, मतलब क्या लिख सकते हैं, एम्पेयर सेकेंड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम्पेयर सेकेंड, ठीक है। तो तीन रिलेशन आपको यहां से समझ में आया होगा। सबसे पहला रिलेशन आपको समझ में आया ये वाला कि आवेश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू सी इंटू बी, ये क्या है फराड में, और ये क्या है आपका वोल्टेज में। दूसरा रिलेशन आपको क्या समझ में आया, यहाँ Q, ठीक है, ये वाला आपको समझ में आया। यहां मैंने क्या लिखा, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, मतलब आपका धारा करंट इंटू टाइम, इसको क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड। और Q को ये हम लोग और एक रिलेशन से क्या मतलब क्या बोलते हैं, Q को कूलम बोलते हैं, इसका एक और जो यूनिट है मेन यूनिट, उसको हम लोग कूलम बोलते हैं। तो ये तीनों रिलेशन Q इक्वल टू सी भी, Q इक्वल टू आई टी और I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये सब रिलेशन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए ये समझ में आया, चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद लिखा हुआ है कि आपको याद रखना ऐसा यूनिट ऑफ जो आपका मास होता है, मास का यूनिट क्या होता है द्रव्यमान का, तो वो होता है आपका केजी, पर भार का क्या होता है न्यूटन, याद रखना, ठीक है। उसके बाद याद रखना टेम्परेचर का जो यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होता है केल्विन, और केल्विन का स्केल कभी नेगेटिव में नहीं होता है। अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का हम लोग बात करते हैं तो परम शून्य जो आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है, परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिसको आप लोग बोलते हो, तो उसमें जो केल्विन का वैल्यू कितना होता है आपका जीरो डिग्री। बाकी कन्वर्जन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एकदम इसी तरीके से ही पढ़ना है, और जीएस में भी इसी तरीके से। देखिए एक किलोग्राम राशि का वजन होता है, मैंने अभी समझाया, थोड़ा कंसेप्ट अगर नहीं रहेगा तो ये सब क्वेश्चंस भी गलती करोगे, ठीक है। एक किलोग्राम बोला है, ठीक है, तो एक किलोग्राम का अगर मैं बात करूं, किलोग्राम का बात करें, ठीक है, का वजन कितना होगा, तो 9.8 यूनिट, ठीक है, किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। तो देखिए तो ये हो गया 9.8 यूनिट। देखिए एफ इक्वल टू होता है एम जी, ठीक है, एम जी, और इसका जो दिया जाता है ये न्यूटन में दिया जाता है, ठीक है, और ये चीज आप समझ गए। और ये जो मास है, ठीक है, ये मास है, मास जो होता है आपका केजी में नापा जाता है, ठीक है, और मास क्या है ये चेंज होता है। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा, तो 9.8 होगा, ठीक है। अब कैसे मैंने बताया, तो देखो एफ इक्वल टू होता है एम जी, ठीक है, तो बोला है कि 1 किलोग्राम, तो मास के जगह तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि किलोग्राम है, किलोग्राम किसका यूनिट होता है द्रव्यमान का, और जी का वैल्यू कितना हो गया, जी का वैल्यू कितना होता है अर्थ पे 9.8 होता है, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, तो 9.8 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो 1 किलोग्राम राशि का, ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम मास का
अगर हम न्यूटन में लिखना चाहे, भार में लिखना चाहे तो कितना होगा, 9.8 न्यूटन। तो ये समझ में आया कि हम लोग भार, हमारा भार जो है ठीक है, आखिर कैसे निकलता है। समझ में आया, द्रव्यमान को जब आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हो, जी से मल्टीप्लाई कर देते हो, तब आपका वो क्या आ जाता है, आपका भार आ जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। एक्सरे के शोधक थे, ठीक है, आपको सबको पता है एक्सरे का डिस्कवर किसने किया था, रोंटजेन ने किया था। और याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा, अगर मैं बोलूं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तीन चीज आपने समझा है, तो अल्फा और बीटा का डिस्कवर किसने किया था, इससे ये दोनों रे का डिस्कवर किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन का डिस्कवर किसने किया था, रदरफोर्ड ने। बट अल्फा बीटा तो आप रदरफोर्ड बोलोगे, बट अगर गामा बोलेगा तो क्या बोलोगा, विलार्ड ने किया था। किसने, विलार्ड। ठीक है, देखो अगर स्पेलिंग अगर गलत भी होता है ना, आप लिख लिया को, अगर मैं सब चीज लिखूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। विलार्ड, VILLARAD, विलार्ड। तो अल्फा बीटा किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन का किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, जो एटम का, जो जो आपका परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, उसका डिस्कवर किसने किया, आपका रदरफोर्ड ने। अल्फा बीटा का डिस्कवर किसने किया, रदरफोर्ड ने। गामा का डिस्कवर किसने किया, विलार्ड ने किया। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर किसने किया था, तब बोलोगे बेकेरल ने। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। और जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उसका स्पीड कितना होता है, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, याद रखिएगा। यहां से दो तीन क्वेश्चन अब आंख बंद करो और मेरे साथ सुनो। सबसे पहला अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है, तो क्या बोलोगे, सबसे भेदन क्षमता किसका ज्यादा होगा, जिसका सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, गामा रेज का होगा, याद रखिएगा। और अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर, देखो यहीं से इसी तरीके से क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, जो पहले पैटर्न आ रहा है वहां तक हमको करना नहीं। हमने आपको क्या समझाया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद है, और देखो बीएसएससी में छप गया। हमने आपको क्या समझाया था, केपलर लॉ, देखो बीएसएससी में छप गया। जो डिफिकल्ट, जो लोग छोड़ के आए होंगे वो सब आप करके आए होंगे। तो इसी तरीके से मैं बोलूं कि सबसे आयोनाइजेशन क्षमता वाला कौन सा है, कौन सा रेज है, तो आप बोलोगे अल्फा रेज, जिसके पास सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन क्षमता होता है। और अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा पेंट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता किसके पास ज्यादा होता है, तो आपके गामा के पास होता है। ठीक है, और गामा का डिस्कवर किसने किया था, तो विलार्ड ने किया था। अल्फा और बीटा का रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, नारी, नरी जो होता है, नरी जो, ये नरी हाथ वाला नरी, ठीक है, नरी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। देखो नरी ऐसा छूता है, ठीक है, तो क्या ज्ञात करता है वो, तो सॉरी, वो देखता है कि एक मिनट में आपका जो हार्ट है 72 बार धक 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 कर रहा है कि नहीं, अगर कर रहा है तो मतलब आप ठीक हो, वो चेक करके चल जाता है। और वो यहां जब डालता है हाथ, तो किसको चेक करता है, क्या वो आर्टरीज को करता है या आपका वेन को करता है, मतलब सीरा को करता है या धमनी को करता है, तो याद रखिएगा आर्टरीज को वो चेक करता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका ब्लड है वो प्रेशर लगाता है, वो किस पे लगाता है, आर्टरीज पे लगाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और कान में जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऐसे आला, स्टेथोस्कोप बोलते हैं, याद रखिएगा। और वो किस फेनोमेना पे काम करता है, तो रिफ्लेक्शन फेनोमेना पे काम करता है। ठीक है, किस पे, प्रवर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन फेनोमेना पे काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो प्रेशर नापते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस मशीन को स्पाइग्नोमीटर, इसको स्टेथोस्कोप, और जो प्रेशर नापने वाला उसको हम लोग स्पाइग्नोमीटर बोलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया, स्टेथोस्कोप किस पे काम करता है, तो रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ठीक है, तो हृदय की धड़कन, याद रखिएगा, हार्ट बीट को नापता है कौन, आपका जब नारी नरी इस तरीके से छूते हैं तो। और याद रखिएगा, आपका अगर हार्ट का, अगर आप पेशेंट हो तो किस डॉक्टर के पास जाओगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, किसके पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास। और ईसीजी किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अगर आपका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है तो कौन सा टेस्ट करवाओगे, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और अगर आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या, कौन सा करवाओगे, ईईजी। ठीक है, ये है आपका ईसीजी, वो क्या है आपका, ईईजी। तो ईसीजी मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, किसके लिए, हार्ट के लिए। और ईईजी इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम, किसके लिए, आपका ब्रेन के लिए। ठीक है, और हार्ट बीट समझ गए आप, ये भी समझ गए क्यों उन लोग छूते हैं, अगली बार छूए तो आप पूछना ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। एक मिनट में कितनी बार सांस हम लोग ये करते हैं, तो 16 से 18 बार हम लोग एक मिनट में, यहां सांस का बात कर रहा है, हार्ट 72 बार, सांस 16 से 18 बार। ठीक है, उसके बाद है नारी संपदक, मात्रा मापक कौन सा गति होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो नरी जो होता है, नरी जो छूते हैं ऐसे करते हैं, बेसिकली क्या करता है वो, क्या करता है, रेट देखता है कि इतना टाइम में इतनी बार धड़क रहा है कि नहीं, बेसिकली क्या, वो गति को देख रहा है, मतलब किसी चीज का रेट देख रहा है। तो सिंपल सी बात है ना, पल्स रेट वो चेक करता है, पल्स रेट कि मतलब
एक मिनट में 72 बार धड़क रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वही नाड़ी स्पंदा मात्रा मापक कौन सा है, तो गति स्पीड देखता है उसका, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, ये सब हो गया। चलिए अब एक और समझाने वाला पॉइंट आ गया, जहां आपको समझाना है मुझे, वो है आपका क्या, देखिए देखो, सबसे पहले आप लोग लाइक कर दो, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। एमसीक्यू में ना करना इजी है, ठीक है, चार ऑप्शंस रहते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट चलिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, आशा करता हूं आप सबको अच्छा लगेगा। देखिए उसके बाद है आपका, यहां अगर आप आओगे, ठीक है, ये हमने कर लिया। यहां देखिए एक्सरे, एक्स किरने जो होती है पार नहीं कर सकती है, तो किसको पार नहीं कर सकती है, तो आपको याद है कि अस्थियों को, अस्थियों मतलब बोन्स जो होते हैं, बोन्स जो होते हैं उसको वो पार नहीं कर पाती। अगर वो बोन्स को पार करता तो एक्सरे जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो एक्सरे की जो छवि आती है, ठीक है, मान लो इधर इधर हम लोग एक्सरे का ये करते हैं ना, एक्सरे का यहाँ ये बोलते इधर खड़ा हो जाए ऐसे करके, ठीक है, खड़ा हो जाए ऐसे करके, तो ऐसे करके करते, तो अगर वो पारे हो जाएगा तो फिर आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो एक्सरे जो है इसको, जो किरणें जो होती है ये भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो अस्थियों को पार नहीं कर पाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ बोन्स का बात चला, एक बार जल्दी से मैं आपको बोन्स पूरा रिवाइज करता हूँ, ठीक है, जितना भी हड्डियां से जितना क्वेश्चन आए जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोटल बोन्स कितना होता है। नॉर्मली अगर मैं ह्यूमन का बात करूं तो एडल्ट पर्सन का, तो कितना होता है, 206 होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा याद रखिएगा, जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें कितना होता है, अराउंड 300 होता है। अब सबसे पहले हम लोग ऊपर आते हैं, आप एक एक क्वेश्चन जो मैं आया हुआ है उस पर हमें बात करता हूं, आप बस शांति से सुनते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि आपका पूरा का पूरा ये जो खोपड़ी है, ठीक है, ये जो पूरा खोपड़ी है इसमें कितना बोन होता है, तो 29 बोन होता है। आप मेरे साथ बोलोगे, सबसे पहले बोलोगे फेस पे, फेस पे कितना बोन है, 14 बोन है, 14। और आपका जो कपल है, कपल जिसको हम लोग कपल बोलते हैं, या क्रेनियम वाला पार्ट बोल सकते हैं जो हमारा माथा को सुरक्षित रखता है, तो ऊपर 8 है, ये यहां से यहां तक ये 8 है। पूछा जाएगा आपको कि क्रेनियम में कितना है, ठीक है, कपल में कितना है, तो 8, फेस पे कितना है, तो 14, तो कितना हो गया, 8 14 22 हो गया। उसके बाद कान में कितना है, तो 3 इधर 3 इधर, तो कितना हो गया आपका, 6 7 6 इधर हो गया, 22 उधर था, तो 28 हो गया, और एक होता है इधर हायोड बोन, तो टोटल कितना हो गया, 29, याद रखना। अब जल्दी से बात कीजिए, सबसे पहले पूछेगा कि सबसे छोटा हड्डी कौन सा है हमारे यहां में, तो कान में है, कान में 3 होता है हड्डी, तीनों का नाम याद करके रखना है, दे देता है तीनों और पूछता है कौन सा हड्डी है, इनकस मेलस एंड स्टेपिस, इनकस मेलस एंड स्टेपिस, तो हर कान में 3 हड्डी, और जो सबसे छोटा हड्डी पूरे बॉडी में होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेपिस, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, हम लोग यहां समझ गए, यहां आते हैं, जो 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 पूछा गया बस वही बात करूंगा, एक्स्ट्रा भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि ह्यूमरस जो होता है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलोगे ये वाला जो हैंड होता है, ये वाला हैंड, इसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। और याद रखिएगा, जो ह्यूमरस जो होता है, ये वाला ह्यूमरस होता है, और ये वाला जो होता है यहाँ, ह्यूमरस हाथ में होता है, ऊपर वाला हाथ में, और टिबिया कहाँ गया, रेडिया एंड उल्ना, ये दोनों आपको याद रखना है, इसमें 2 हड्डी होता है इस तरीके से। तो आपको पूछा जाएगा कि रेडिया एंड उल्ना कहाँ होता है, यहाँ देखो, सबसे पहले हमने ये बात किया, क्या होता है ये आपका ह्यूमरस, इसमें 2 हड्डी होगा, एक होगा रेडिया एक होगा उल्ना, तो रेडिया रेडियस लिखा हो कोई बात नहीं, रेडिया उल्ना याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेडियस एंड उल्ना कहाँ होता है, तो आपका ये निचले वाला भाग में, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद आपको याद रखना है ये वाला हड्डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फीमर, सबसे मजबूत और सबसे लंबा हड्डी हमारे बॉडी में कौन सा है, तो आप बोलोगे फीमर, सबसे लंबा और सबसे मजबूत वाला हड्डी कौन सा है, तो फीमर। उसके बाद नीचे आओ, नीचे फिर से जैसे कि यहां 2 था रेडिया एंड उल्ना, तो नीचे वाला पार्ट में भी 2 हड्डी होता है, पैर का ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, तो एक होगा टिबिया एंड एक होगा फेबुला, तो अगर पूछे कि टिबिया एंड फेबुला कहाँ है, तो पैर में है, और रेडिया एंड उल्ना कहाँ है, तो आपको हाथ में है, ठीक है, समझ में आएगा, ह्यूमरस कहाँ है, तो आपका हाथ में है, फीमर क्या है, तो सबसे बड़ा हड्डी है और सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, तो आपका आपको याद रखना है आपको फीमर। एक पॉइंट और याद रखोगे, अगर पूछेगा कि उंगलियों में, ये भी पूछा गया कि उंगली जो होता है इसमें कौन सा हड्डी होता है, तो आपको याद रखना है फ्लेंजेस, फ्लेंजेस, और जो घुटना में कौन सा हड्डी होता है, तो आपको याद रखना है पटेला, ठीक है, पटेला, इतना याद रखो, फिर नेक्स्ट में और कर पाएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना सबसे छोटा हड्डी स्टेपिस कान में होता है, ठीक है। उसके बाद पूरा कपल में कितना होता है, तो 29 होता है,
माथा पे कितना होता है, यहाँ यहाँ माथा पे कितना होता है, कितना होता है तो 8 होता है। इस पे कितना होता है मुंह में, मुंह फेस में कितना होता है तो आपका 14 होता है। 3 इधर 3 इधर, और यहाँ एक कौन सा होता है तो हायोड बोन होता है, हायोड बोन, तो टोटल हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है ये जो रिब्स होते हैं जिसको आप पसलिया बोलते हो, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि पसलिया हमारा कितना होता है, तो याद रखिएगा 24 होता है। और अगर पेयर बोलेगा कितना पेयर होता है तो 12 होता है, याद रखना कितना पसलिया होता है, तो हमारा जो पसलिया होता है वो कितना होता है तो आपका 24 होता है। और ये एक बोन से जुड़ा होता है, हड्डी से, ये भी पूछा गया है। तो जो आपका पूरा पसलिया होता है वो किस बोन से जुड़ा होता है तो वो होता है स्ट्रेनम। क्या बोला जाता है? स्ट्रेनम, ठीक है, क्या? स्ट्रेनम, ठीक है। तो आपको समझ में आया, बोलेगा पसलिया कितना है तो आप क्या बोलोगे, पसलिया जो है आपका कितना है तो पसलिया जो है आपका 24 है, ठीक है। और सब पसलिया जो किससे कनेक्टेड रहता है तो स्ट्रेनम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा, जो आपका रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, अब यहां बहुत कंफ्यूजन लोग, इनको समझ में नहीं आती कि रीढ़ की हड्डी और मेरुदंड में डिफरेंस क्या। अब ध्यान से समझना, ये है आपका स्पाइनल कोड जिसको आप लोग बोलते हो मेरुदंड, ठीक है। और ये जो कनेक्टेड होता है आपका ब्रेन से कनेक्टेड होता है। अब जो भी ब्रेन जो सिग्नल भेजती है वो स्पाइनल कोड से, मेरुदंड से आता है, ठीक है। और ये मेरुदंड बहुत सारे इस तरीके के क्या निकले होते हैं आपके, क्या निकले होते हैं, नर्व्स निकले होते हैं, जो आपके पूरे बॉडी में क्या होता है आपका फैला हुआ होता है, ठीक है। इस पे हम लोग आएंगे, बट अभी पहले इसको कंप्लीट कर लें। तो पूछेगा कि आपका जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, या आपको इंग्लिश में बोलेगा कि वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो पीछे है, ठीक है, वो कितना होता है तो आपको याद रखना है 33 होता है। बट आगे चल के क्या होता है, ये 26 में कन्वर्ट हो जाता है जब पूरा आप डेवलप हो जाओगे। तो नॉर्मली एग्जाम में जब पूछा जाएगा 33 और बोलेगा आफ्टर डेवलप, पूरा डेवलप हो जाओगे तब कितना होगा आपका 36। समझ में आया? आप कुछ भी पूछेगा तो कुछ सब बता दोगे, सबसे छोटा कौन सा है तो स्टेपिस, सबसे बड़ा कौन है तो फीमर, रेडिया एंड उल्ना कहाँ है तो आपके हाथ में है, ह्यूमरस कहाँ है तो आपका ये हाथ में है, ठीक है, पटेला कहाँ है तो ये आपका घुटना में है, और जो आपका टिबिया एंड फेबुला कहाँ है तो ये पैर में है, फ्लेंजेस कहाँ है तो ये यहाँ है, ठीक है। इसमें कितना होता है, पसलियों में कितना होता है तो 24 होता है। इस किससे कनेक्टेड रहते हैं तो स्टर्नम से रहते हैं। आपका जो रीढ़ का हड्डी है वो कितना रहता है तो 33 रहता है, ठीक है। इतना समझ में आया? अभी याद रखिएगा, जो स्टडी है हड्डी का, जो स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी, पूछा गया, ऑस्टियोलॉजी, हड्डी स्टडी ऑफ बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है, कौन सा ऐसा उत्तक है जो हड्डी से हड्डी को कनेक्ट करता है, तो याद रखिएगा लिगामेंट्स। क्या मैंने बोला? लिगामेंट, ठीक है। और बोलेगा क्या क्या, हड्डी से मसल को कौन कनेक्ट करता है, हड्डी से मसल को तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे टेंडन। तो बोलेगा बोन टू बोन, हड्डी टू हड्डी को कौन कनेक्ट करता है तो आपको लिगामेंट करता है, और हड्डी से मसल को, मसल मतलब समझ रहे हो, मांसपेशियां जो होती है, तो हड्डी से आपको मसल को कौन कनेक्ट करता है तो टेंडन, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है, जो आपका परिवर्तित क्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब मानो आपने कहीं छुआ, गर्म लगा, आपने हाथ हटा दिया, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कैसे आपने हाथ हटा लिया, तो आपको याद रखना है मेरुदंड, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन। सिंपल मैंने अभी समझाया आपको कि ये जो आपका मेरुदंड है, ठीक है, और ये जो होता है पूरा, यहाँ पूरा हमारा ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है, उतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, और इससे इस तरीके का रेशा निकला होता है जो पूरे बॉडी में जाल तंत्र की तरह होता है, और कहीं भी कुछ भी होगा तो तुरंत हम लोग हाथ हटा लेते हैं, ऐसे करके हटा लेंगे, चाहे कुछ गर गया, क्यों, क्योंकि जो हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो आपका स्पाइनल कोड, मेरुदंड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रीढ़ का हड्डी, जो मैंने बोला वर्टिब्रल कॉलम कितना है तो 33 है। एक बार समझ लो कहाँ कहाँ, CTL पहला जो होता है सेरेब्रिकल, उसके बाद होता है आपका थोरासिक, उसके बाद होता है लंबर, उसके बाद होता है सैक्रल, उसके बाद होता है कॉडल। आपको पढ़ना है, अगर छोड़ के जाओगे तो एग्जाम में भी छूटेगा। अब जो जितना जरूरत है उतना तो मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया आपका मेरुदंड, ठीक है, दैट मीन स्पाइनल कॉर्ड, जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन के लिए क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो साइड से आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप साइड से इस तरीके से देख रहे हो, हड्डी जो देख रहे हो छोटा 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 छोटा, तो यहां से यहां को हम लोग बोलते हैं, वाला जो हड्डी है इसको बोलते हैं सेरेब्रिकल। और ये कितना होता है तो ये 7 होता है टोटल। उसके बाद आता है आपका थोरासिक, थोरासिक कितना होता है तो 12 होता है। उसके बाद आता है लंबर, लंबर कितना होता है तो 5 होता है। उसके बाद आता है आपका सैक्रल जो कि 5 होता है। और उसके बाद आता है कॉडल, CAUDAL, जो कि
चार होता है और यही आपका जो कॉर्डल है और जो सेक्रल है आगे चल के एक मेकन, मतलब पांच सेक्रल एक बन जाता, एक सेक्रल और चार कॉर्डल एक कॉर्डल बन जाता, इसलिए आगे चल के ये 36 में कन्वर्ट हो जाता है। ये याद रखना है, ठीक है। मैं पूछूंगा इससे, अब इसको याद कैसे रखना है, CTL, ठीक है, सर्विकल थोरासिक लंबर, बस इतना याद रखना, आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ा नहीं, इजी, ठीक है। जहां हर दिन मैं ऐसे 2 से 3 टॉपिक लूंगा ही, ठीक है, ताकि आपका जो टॉपिक भी कंप्लीट होते हुए चले। चलिए यहां आ गया आपका, इसके बाद हम लोग आगे करते हैं, ये हो गया, उसके बाद हो गया, अभी सब चीज समझ गया कि एक्स किरणें, ठीक है। उसके बाद है SI, ठीक है, लेंस का, लेंस का SI यूनिट क्या है, SI इकाई में लेंस की शक्ति क्या होती है, तो ये आप सबको पता होगा, जो लेंस हम लोग नापते हैं, ठीक है, जो लेंस हम लोग नापते हैं वो किस में नापते हैं, तो हम लोग को पता है वो है आपका पावर ऑफ द लेंस जो दिया जाता है 1/F, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल दूरी, और ये F क्या होता है, हमेशा मीटर में लिया जाता है, और इसको किस में नापा जाता है, इस पावर ऑफ लेंस को, तो डायोप्टर में नापा जाता है, ठीक है, डायोप्टर में, याद रखिएगा। और इस बार BSSC में क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे से करवाया था, अगर आपने किया, मैंने आपको क्या समझाया था, जो हमारा आंख का जो फोकल लेंथ होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, सिलेरी मसल करता है, याद रखिएगा, फोकल लेंथ इसके द्वारा, सिलेरी मसल के द्वारा, और डायोप्टर इसको नापा जाता है। एक बार जल्दी से मेरे साथ आई वाला कुछ कुछ पॉइंट रिपीट कर लो। सबसे पहले अगर आंख आपका खराब होगा तो कौन से डॉक्टर के पास जाओगे, ऑप्टोमोलॉजिस्ट के पास जाओगे। दूसरा, हमारे आंख में कौन सा लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस है। और हमारा आंख का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हम मरने के समय डोनेट करते हैं, तो कॉर्निया करते हैं, कौन सा, कॉर्निया करते हैं। और अगर आपको पूछे कि हमारा आंख का कौन सा ऐसा भाग है जो कैमरा का, फिल्म का जैसे काम करता है, तो रेटिना काम करता है, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि हमारा रेटिना पर किस तरीके का इमेज बनता है, ठीक है, तो किस तरीके का इमेज बनता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि जो आपका आंख का आगे वाला परदेश, मतलब जो ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट मतलब जो एकदम आर पार जिससे दिखाई देता है, पारदर्शी, जिसको पारदर्शिता बोलते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा है आपका, तो वो कॉर्निया है, ठीक है। और याद रखिएगा, मैंने एक चीज और आपको करवाया था कि फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ हमारे आंख का जो फोकल दूरी है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो सिलेरी मसल। हमारे आंख का जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आइरिस पे डिपेंड करता है, और आइरिस ही डिसाइड करता है, ठीक है, कि आंख में कितना, ठीक है, आंख में कितना आपका लाइट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइरिस डिसाइड करता है कि आंख में कितना लाइट जाएगा, क्यों, क्योंकि आइरिस ही जो होता है आपका आंख का जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल कौन सा वाला पार्ट है, बीच वाला, जिससे आंख, जिसके थ्रू आंख में लाइट जाता है। तो याद रखिएगा, आइरिस हमारे आंख का कितना लाइट जाएगा वो कंट्रोल करता है, प्लस आइरिस जो है आपका प्यूपिल का साइज का कंट्रोल करता है, याद रखिएगा, और कलर भी, बहुत चीज बताएं, इतना याद रखना आपको। चलिए उसके बाद आता है कि DOS, डॉस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब सिंपल चीज है, ठीक है, थोड़ा सा पता रखा करो, DOS हो गया, रोम हो गया, ठीक है, रैम हो गया, ठीक है, उसके बाद HTTP हो गया, ये सब मैं याद करके नहीं आया हूं, बस दिमाग में आया तो करा देता हूं कि जोन कौन सा। तो डॉस का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपका HTTP का, ये बार बहुत बार पूछा गया, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक पूछा जाता है IP एड्रेस, तो ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए देखिए, जो पेपर पेन लेके नहीं बैठे हो, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, ठीक है, दो चार साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, चलो उनको तो रिवीजन की जरूरत है, बट जो नए हो, ठीक है, तिस्मार खान नहीं बनना है और लिखते हुए चलना है, क्योंकि लिखा हुआ ही काम आता है। वीडियो नहीं देख पाओगे लास्ट समय में, इतना 7 वीडियो हो गया, इसको लगा के 8 वीडियो एकदम छाप लेना है नोटबुक में पूरा। चलिए उसके बाद आपका आता है कि पौधा, ठीक है, जो स्थिर ऊर्जा होती है, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी को गति ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, कौन सा क्रिया के द्वारा, तो याद रखिएगा, इसका जो यहां लिखा हुआ है श्वसन क्रिया, बट जो इसका एक्यूरेट आंसर होगा ये होगा फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग गलत करेंगे ये चीज, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया था कि जो पौधे होते हैं, ठीक है, जो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, स्थिति ऊर्जा को, ठीक है,
स्थित ऊर्जा को गति ऊर्जा, मतलब आपका स्थितित ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो आपका केमिकल एनर्जी जो होता है, ठीक है, केमिकल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और इस एनर्जी जो स्टोर होता है इसको कौन खाता है, पत्ता, एनिमल खाता है, और बाद में उसको वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो एनर्जी जब वो खा लेगा तो वो चलने लगता है और फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों होता है, किसके कौन से क्रिया के कारण ये चीज पूरा हो रहा है, तो आपका फोटोसिंथेसिस, यहाँ श्वसन क्रिया लिखा हुआ है, ऑप्शन में श्वसन भी होगा, फोटोसिंथेसिस भी होगा, मारना फोटोसिंथेसिस है आपको। ठीक है, इस बुक में भी कहीं कहीं गलत है, बट आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, आप सबको पता है कितना होता है, 9.46 × 10^12 किलोमीटर, या 9.46 × 10^m। और प्रकाश वर्ष किसका यूनिट होता है, तो दूरी का, डिस्टेंस का, बहुत बार रिपीट हुआ है, और इसका कितना होता है, 9.46 × 10^15 मीटर, या 9.46 × 10^12 किलोमीटर। वन पैरासेक, ठीक है, वन पैरासेक इक्वल टू होता है आपका कितना, याद रखेगा, 3.26 लाइट ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आइए, उसके बाद है आपका कि मानव शरीर में क्रोमोसोम कितना होता है, तो आपको पता है 46 क्रोमोसोम होता है, जिसमें कि 23 का पेयर होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था आपका कैसे होता है, 22 प्लस एक्स एक्स या एक्स वाई, तो ये जो होता है नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, और एक क्रोमोसोम ये तो 22 हो गया। ठीक है, 22 हो गया ना, अब देखो टोटल क्या होता है कि 46 होता है, 46 होता है, जिसमें कि जब बच्चा पैदा होता है तो 23 क्रोमोजोम मेल के तरफ से आता है, 23 क्रोमोजोम फीमेल के तरफ से आता है। ठीक है, इस तरीके से जो अगर ये 22 क्रोमोजोम मैंने यहां लिखा, और 23वां क्रोमोजोम जो है, ठीक है, मतलब ये पेयर में है, याद रखिएगा पेयर में है। ठीक है, मतलब ये टोटल कितना हो गया आपका 44, और ये दो आपका यहां से। ठीक है, तो अगर मेल होगा तो क्या होगा, 22 प्लस एक्स एक्स, ये फीमेल होगा तो, और अगर मेल होगा तो 22 प्लस एक्स वाई, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये अगर एक्स एक्स है तो बच्चा क्या होता है, लड़की होता है, और एक्स वाई है तो बच्चा क्या होता है, आपका लड़का होता है। तो याद रखिएगा ये चीज, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल क्रोमोजोम, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोजोम। तो 22 प्लस एक पेयर, मतलब टोटल कितना पेयर होता है, 23 पेयर, तो 22 पेयर तक तो नॉर्मल होता है। ठीक है, जो कि 44 हो जाएगा, और लास्ट वाला जो दो बचता है वो क्या होता है, आपका सेक्स क्रोमोजोम होता है। ठीक है, मैनोमीटर उपयोग किया जाता है, तो आप सबको पता है गैस का जो प्रेशर होता है, गैस का जो दाब होता है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग मैनोमीटर यूज करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब याद रखना जो विंड का जो वेलोसिटी होता है, ठीक है, विंड का जो वेलोसिटी होता है उसको नापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का यूज करते हैं, बट विंड का अगर डायरेक्शन अगर आपको बोल दे तो आपको क्या बोलना है, विंड वैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला जाता है, विंड वैन आप बोलोगे, अगर वेलोसिटी बोलेगा। ठीक है, आपको वेलोसिटी, अगर स्पीड अगर नापना है आपका तो उसे एनीमोमीटर से, बट डायरेक्शन देखना है कि किस डायरेक्शन में अगर जा रहा है विंड हवा, तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे आप विंड वैन से नापते हैं, विंड वैन। ठीक है, और प्रेशर किससे नापते हैं, नॉर्मली अगर मुझे वातावरण का प्रेशर नापना हुआ तो बैरोमीटर से नापते हैं, क्या से नापते हैं, बैरोमीटर से नापते। चलिए, अब यहां है आपका, ये देखिए, हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक कौन सा होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीकर्ता सबसे ज्यादा जो कौन सा होता है, सबसे ज्यादा जो जिसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, विद्युत ऋणात्मकता जो होता है सबसे ज्यादा किसके पास होता है, वो होता है आपका फ्लोरीन के पास, और उसी के पास आपका ऑक्सीकारकता में भी वो सबसे ज्यादा आपका पावरफुल होगा। अब दो तीन चीज आपको याद रखना है, जैसे कि हेलोजन में बोला गया, ठीक है, तो हेलोजन से दो तीन चीज याद रखोगे, पहला याद रखोगे कि सबसे ज्यादा ऑक्सीकारकता, ठीक है, ऑक्सीडेशन जो पावर होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका, ये होता है आपका फ्लोरीन का, फ्लोरीन का। और उसके बाद अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता, दैट मींस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है, तो तब क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे फ्लोरीन। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका सबसे ज्यादा होता है, तो आपको क्या बोलोगे, तब बोलोगे आपका क्लोरीन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बोलेगा, विद्युत ऋणात्मकता बोलेगा कि सबसे ज्यादा किसका है, तो फ्लोरीन, और बोलेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी किसका है, यह है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और यह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या मैंने समझाया था, यह भी पूछा गया था, ठीक है, बीएससी में मैंने आपको क्या समझाया था,
जब एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में ऐड करने पे जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैंने क्या बोला था, किसी भी एटम का वो पावर जिससे वो कोई शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है और इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, इतना याद रखोगा। उसके बाद ब्रोमीन याद रखोगे, ये भी एक हैलोजन है। इससे मैंने आपको क्या समझाया था, ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। इससे एक क्वेश्चन मैंने और समझाया था, कौन सा ऐसा आपका हैलोजन है, ठीक है, कौन सा ऐसा हैलोजन है जो एनाल्जेसिक के फॉर्म में, मतलब पीरा जो होता है बॉडी में या कहीं में भी उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, ब्रोमीन बोलोगे। तो ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। अब क्लोरीन से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फूलों का जो रंग उड़ा देता है वो कौन उड़ा देता है, तो आपका क्लोरीन ही उड़ा देता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए जल्दी से ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम लोग कल करेंगे, एक दिन जीएस करेंगे, ठीक है, और एक दिन थोड़ा तो मुझे आपको टाइम देना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हमें वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है, जब बनाएंगे तो अच्छा से बनाना है ताकि आप लोग को 100% बेनिफिट हो, ठीक है, कुछ भी नया दिखे ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। चलो उसके बाद आता है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से हमने बात कर लिया कि समान होता है। उसके बाद याद रखिएगा खाद ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, आपको पता है, आपको बोला जाता है कि इतना कैलोरी लीजिए, इतना कैलोरी आपके बॉडी में, इतना कैलोरी होना चाहिए इस, मतलब जो काम करता है उसके अलग, तो ये जो होता है ये कैलोरी के फॉर्म है। और कैलोरी किसका यूनिट है, तो ये भी एनर्जी का यूनिट है। बट अगर पूछे कि ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा यूनिट ऑफ ऊर्जा क्या है, देखो ऊर्जा का यूनिट है कैलोरी, ठीक है, बट अगर मैं पूछूं कि ऐसा यूनिट ऑफ ऊर्जा या एनर्जी क्या है, तो आपको क्या याद रखना है, जूल याद रखना है, जूल। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जूल होता है। और एक कैलोरी याद रखना, एक कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.8 जूल। ये भी बहुत बार पूछा गया, याद रखना, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है 1 न्यूटन। अब याद रखना मैं कन्वर्ट बता रहा हूं, ये हो गया आपका SI फॉर्म में, ये हो गया आपका CGS फॉर्म में। जैसे कि मैंने बोला 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.18 जूल। जूल क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ आपका ऊर्जा है। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10^5 डाइन। डाइन क्या है, ये भी आपका बल का यूनिट है पर CGS में, ठीक है। और ये न्यूटन क्या है, ये भी बल का यूनिट है पर CGS में। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10^5 आपको याद रखना है। उसी प्रकार से 1 जूल अगर अर्ग में भी पूछा जाता है, 1 जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग। आपको सिंपल जो मैं रट पा रहा हूं आप रटो, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10^5 डाइन। 1 जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग। और यहां याद रखोगे 1 बार इक्वल टू 10^5 पास्कल। और ये पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है और बार भी आपका प्रेशर का यूनिट है, याद रखिएगा, ठीक है। इतना आज के लिए रखते हैं, बाकी आप बताइएगा आपको कैसा लगा। नेक्स्ट पेज नंबर 5 का अगले में बनाएंगे। एक चीज और, नीचे लिंक होगा, प्लीज जुड़ जाए और कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है, कॉन्टिन्यूस बोलना भी पड़ता है। बट अगर आपको अच्छा लग रहा है, बेनिफिट तो मैं 100% बता रहा हूं कि आपको इससे बेटर और बेनिफिट वाला वीडियो आपको नहीं मिलेगा। पेपर आप उठा लेना, 7 वीडियो मैंने आपको करवाया था, आप देख लेना, इसी लिंक मैं पूरा प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप देख लेना कि आप BSSC का पेपर बोला जा रहा है कि टफ था, ठीक है। मैं केमिस्ट्री को छोड़ के बात कर रहा हूँ, बाकी सब क्वेश्चन हमने करवाए थे। जय हिंद।